इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। इस दौरे कोरोना में बहुत सारी तंजीमें इदारे अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, इंतजामिया, दीगर मुकामात भी अपने तौर पर अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, पर सबसे अहम काम को जो लोग अंजाम दे रहे हैं, दरअसल सफाई मुलाजमीन, हमारे गली मोहल्ले, यहाँ तक कि हमारे घरों के कूड़ा करकट कचरे को ले जाकर साफ रखने की कोशिश करते रहते हैं। जहाँ हर कोई घर में महफूज रहने की कोशिश में है, वहीं हर रोज़ सुबह हमारे मोहल्ले में आकर सफाई मुलाजमीन अपना काम बराबर अंजाम देते रहते हैं। सफाई आधा ईमान है और इस सफाई का ख्याल सफाई मुलाजमीन रखते हैं। वैसे तो हमारी अपनी भी जिम्मेदारी होती है, पर मोहल्ले में देखा यह जाता है कि कई ऐसे लोग कचरा जहां फेंकना है या फिर जो गाड़ी कचरा उठाने के लिए घर तक आती है उसमें फेंकने की बजाय सड़कों पर, सड़क के किनारे, यहाँ तक के अगर गाड़ी जाती रहती है तो घर के ऊपर से ही गाड़ी में कचरा फेंकते हुए देखा जाता है। बाज़ औक़ात गाड़ी में कचरा गिरने की बजाय सड़क पर गिर जाता है, पर किसी को इसकी परवाह नहीं होती कि उस कचरे को उठाकर सही जगह पर फेंके। दूसरी बात यह है कि गली मोहल्ले को खुद से साफ करने की कभी हम जरा बराबर भी कोशिश नहीं करते। इसके बरक्स देखा यह जाता है कि अपने घर के सामने का कचरा भी हम झाड़ू के जरिए दूसरे के घर के सामने धकेलते रहते हैं। जिस तरह की तालीम हमें दी गई है बिल्कुल उसके बरक्स हम काम करना ही हमारा फर्ज समझते हैं। पड़ोसियों के साथ तो हम झगड़ा या बहस किए बगैर शायद ही किसी दिन की शुरुआत करते होंगे। खैर, जिस तरह से बीमारियां, वबाएं, आफतें आ रही हैं, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। खैर, आज इन्हीं सफाई मजदूरों मुलाजमीन के कामों को सराहते हुए उज्वल नगर जमातों की जानिब से कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजमीन की गुलपोशी और शालपोशी फरमाई गई। उज्वल नगर मेन रोड पर जमात के जिम्मेदारों ने उज्वल नगर की सफाई मजदूरों के कामों को सराहते हुए इन्हें कुछ अतिया भी दिया गया। इस वक्त उज्वल नगर के तमाम जिम्मेदार अहबाब मौजूद थे। खासकर फजल खान पठान ने तमाम मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दरअसल यही वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर कोरोना की इस दौर में भी मुस्तकिल सफाई के खिदमात अंजाम देते रहते हैं। हम सभी को चाहिए कि ऐसे लोगों के हौसला अफजाई करें। उमूमन यह देखा जाता है कि इन सफाई मजदूरों को नज़रअंदाज ही किया जाता है। मोहल्ले वालों की भी जिम्मेदारी है कि इनके इस खिदमात को सराहे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आज उज्जवल नगर के सभी जमातों के जानिब से जो हमारे कॉरपोरेशन के सफाई कामगार हैं, उन लोगों का खास ख्याल रखते हुए और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए और उनकी जो है हिम्मत अफजाई के लिए उनको हमारे जमातों की तरफ से एक शाल पोशी, गुल पोशी और उनको थोड़ा हमारे जमातों की तरफ से अतिया दिया गया है। उसमें हमारे जो है जुबैर संदीप भाई का ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को ताउन है। हम इनका शुक्रगुजार अदा करते हैं। और आज जो है कोरोना वायरस जैसी वबा, ऐसी भयंकर, ऐसी जो खतरनाक का हवा में फिर कर जो काम कर रहे हैं, ये हमारे पोर कार्मिक जो कॉरपोरेशन के हैं, ये हम खास करके ये लोग वॉरियर्स हैं, कोरोना के वॉरियर्स हैं ये लोग हैं, और मैं इनका भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो है देखने की ज़रूरत है, आज MLA, MP, इंजीनियर, डॉक्टर घर में बैठ के उन्होंने हमारी हिफाजत करते हैं, मगर ये एक बेचारे ऐसे लोग हैं अपनी जान को खतरों में डालकर जो है हमारे गली गली में आकर हमारी सफाई का ख्याल करते हैं और हमारे को उस बीमारी से बचाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जो है हम भी इनका ख्याल रख के जो है इनका जो है हम जो है हिम्मत अफजाई के लिए प्रोग्राम किए हैं। और जो है दूसरी बात, एक जो खास बात जो बेलगाम के लिए बोलना चाहता हूँ मैं, अंजुमन इस्लाम जो है आज वो शादी महल नहीं है बल्कि आज कोविड सेंटर बन गया है। ये हमारे हरदिल अजीज फिरोज शेठ साहब, गोल्डन हार्ट जिनको बोलते हैं, उनके माते हाथ में जो है पूरी अंजुमन की टीम है, जिसमें समीला मड़ियोले हैं, हमारे गफूर भाई हैं, शकील तहसीलदार हैं और हमारे अशफाक गोरी हैं, ये जो है ये सभी लोग हमारे राजू शेठ साहब, आसिफ राजू शेठ साहब, इनके मातियत में काम कर रहे हैं। हमारे को घबराने की ज़रूरत नहीं है इस बीमारी से। अब एक 50 बेड का जो है कोविड सेंटर ओपन हो गया है, मगर इतना है कि प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, अपनी हिफाजत करना ज़रूरी है। इसके लिए मास्क यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करो और जो है हाथ वगैरह हमेशा धोते रहो।
अगर ये करेंगे इंशाल्लाह ये बीमारी का सफाया हो जाएगा, फिर हम लोग जो है मिलकर एक साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। और एक बार जो है मैं हमारे पौर कार्मिक कारपोरेशन के सफाई कामगारों का तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह इनकी भी हिफाजत करे, क्योंकि ये भी जो है बीवी बाल बच्चे वाले हैं, अपनी जान को खतरों में डालकर हमारी हिफाजत करते हैं। ये हकीकत में यही खतरों के खिलाड़ी हैं, और यही हकीकत में जो है कोरोना वॉरियर्स हैं। इनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।